ओम श्री तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री वृद्धारण्यक उपनिषद, श्री शंकराचार्य भाष्य, पंचम अध्याय, दशम ब्राह्मण, प्रकरण अंतर्गत उपासनाओं से प्राप्त होने वाली गति। इस प्रकरण में बतलाई गई समस्त उपासनाओं का ये गतिरूप फल बतलाया जाता है। जिस समय पुरुष इस लोक से मरकर जाता है, उस समय वह वायु को प्राप्त होता है। वह वायु उसके लिए छिद्रयुक्त हो जाता, मार्ग दे देता है। जैसा कि रथ के पहिए का छिद्र होता है, उसके द्वारा वह ऊर्ध्व होकर चढ़ता है, वह सूर्य लोक में पहुंच जाता है। वहां सूर्य उसके लिए वैसा ही छिद्र रूप मार्ग देता है, जैसा कि लम्बड़ नाम के बाजे का छिद्र होता है। उसमें होकर वह ऊपर की ओर चढ़ता है, वह चंद्र लोक में पहुंच जाता है। वहाँ चंद्रमा भी उसके लिए छिद्र युक्त हो मार्ग देता है, जैसा कि दुंदुभि का छिद्र होता है। उसके द्वारा वह ऊपर की ओर चढ़ता है। वह अशोक अर्थात शारीरिक दुख से रहित और अहिम अर्थात मानसिक दुख शून्य लोक में पहुंच जाता है और उसमें सदा अनंत वर्षों तक अर्थात ब्रह्मा के अनेक कल्पों तक निवास करता है। जिस समय पुरुष अर्थात उपासक इस लोक से मरकर जाता है, शरीर त्याग करता है, उस समय वह वायु को प्राप्त होता है। आकाश में त्रयग्भूत अर्थात तिरछा होकर स्थित वायु घनीभूत अर्थात अवेद्य रूप से विद्यमान है। वह वायु वहां अपने में प्राप्त हुए उस उपासक के लिए विजहित्ते अपने अवयवों का विच्छेद कर देता है, अर्थात अपने को छिद्र युक्त कर देता है। कितना बड़ा छिद्र करता है सो बतलाया जाता है। जैसा कि रथ के पहिए का छिद्र होता है, वैसे प्रसिद्ध परमाणु वाला छिद्र कर देता है। उस छिद्र द्वारा वह विद्वान ऊर्ध्व होकर चढ़ता है, अर्थात ऊर्ध्वोन्मुख होकर जाता है। वह आदित्य लोक में पहुंच जाता है। आदित्य ब्रह्म लोक को जाने वाले का मार्ग रोक कर स्थित है। वह भी इस प्रकार जानने वाले उस उपासक को मार्ग दे देता है। उसके लिए वहां वह अपने मंडल को छिद्र युक्त कर देता है, जैसा कि लंबर नामक एक वाद विशेष के छिद्र का परिमाण होता है। उसके द्वारा वह ऊपर की ओर चढ़ता है, वह चंद्र लोक में पहुंच जाता है। वहां वह भी उसके लिए अपने को छिद्र युक्त कर देता है, जैसा कि दुंदुभि का छिद्र प्रसिद्ध है। उसके द्वारा वह ऊपर की ओर चढ़ता है, वह लोक अर्थात प्रजापति लोक में आ जाता है। कैसे लोक में? अशोकम अर्थात मानसिक दुख से रहित और अहिमम हिमवर्चित अर्थात शारीरिक दुख से रहित लोक में। वहां पहुंचकर वह उसमें शाश्वती समा नित्य अर्थात अनंत वर्षों तक बसता है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा के अनेकों कल्पों तक वहां निवास करता है।